वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। फ्रेंड्स आज अपन बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे पहले हम पॉलिटिकल जो स्थिति है उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वास्तव में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है क्या, वास्तव में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है क्या। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मुख्यतः निर्मित है तीन द्वीप समूहों से। तीन द्वीप समूह मैं अभी बोर्ड पे बताऊंगा आपको, ठीक है। तीन द्वीप समूह में सबसे पहले कौन आते हैं, तीन द्वीप समूह में आ जाते हैं सबसे पहले हमारे पास माइक्रोनेशियन है, दूसरा इसके अलावा हमारे पास है मेलानेशियन और फिर है हमारे पास पॉलिनेशियन। माइक्रोनेशियन, पॉलिनेशियन, मेलानेशियन, इन तीन द्वीप समूह में मिलकर पूरा महाद्वीप बनता है ओशिनिया, जिसको हम ऑस्ट्रेलिया कहते हैं ना। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सामने खड़ा हूं मैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वास्तव में ओशिनिया महाद्वीप है और ओशिनिया महाद्वीप मिलकर बना है तीन द्वीप समूह से, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब किन तीन द्वीप समूह से, तो मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, तीन द्वीप समूह में सबसे पहले आते हैं हमारे पास माइक्रोनेशियन, फिर आते हैं हमारे पास मेलानेशियन और फिर आते हैं हमारे पास पॉलिनेशियन। अभी मैं आपको इनको बोर्ड पे बताता हूं, फिर मैं आपको इनको मैप में बताऊंगा। ओके, तो जानते हैं हम ओशिनिया के बारे में। ओशिनिया वास्तव में जिसको हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं वो ओशिनिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? ओशिनिया महाद्वीप। लेकिन जब आप ओशिनिया, जैसे अभी अभी जस्ट मेरे पीछे कौन था, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप था, तब उस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हमने क्या देखा था कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओशिनिया महाद्वीप में जो नजर आ रहा है वो सिर्फ कौन नजर आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया ही नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ओशिनिया महाद्वीप, ओशिनिया महाद्वीप विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसका नाम उसमें स्थित किसी एक देश के नाम पर रखा गया है, ठीक है। ओशिनिया में कौन कौन आते हैं, तो ओशिनिया में आते हैं माइक्रोनेशियन, माइक्रोनेशियन द्वीप समूह, ठीक है। सेकंड आता है मेलानेशियन, मेलानेशियन, मेलानेशियन द्वीप समूह। थर्ड आता है पॉलिनेशियन, पॉलिनेशियन द्वीप समूह। और लास्ट जो हमारे पास है इसमें शामिल ऑस्ट्रेलिया, खुद ऑस्ट्रेलिया एक देश के रूप में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब माइक्रोनेशियन में मुख्यतः जो द्वीप समूह आते हैं, माइक्रोनेशियन में मुख्य आते हैं हमारे पास मार्शल द्वीप समूह है, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोनेशियन में हमारे पास आता है किरीबाती द्वीप समूह, ठीक है। इसी में आता है कैरोलिन द्वीप समूह, प्रधान द्वीपों की बात कर रहे हैं हम सिर्फ। मार्शल आइलैंड आ गया, किरीबाती आ गया, कैरोलिन आ गया, ठीक है, ये माइक्रोनेशियन के मुख्य द्वीप हैं, ओके। इसके अलावा फिर मेलानेशियन, मेलानेशियन में जो मुख्य द्वीप होते हैं उनमें, मेलानेशियन में मुख्य द्वीप है न्यू गिनिया, न्यू गिनिया, ठीक है। इसके अलावा फिर एक आ जाता है हमारे पास फिजी, ये मिलकर मुख्य मेलानेशियन कहलाते हैं। पॉलिनेशियन में हमारे पास मुख्य जो द्वीप समूह है उनमें हमारे पास एक तो है हवाई, हवाई द्वीप, और एक है हमारे पास न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक है। अब हम इनको मैप में देख लेते हैं। एक चीज और मैं बता दूं आपको, ये जितने भी द्वीप समूह हैं, जो भी हैं, ये जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनमें से इसको एक बार छोड़ दो आप, ये सभी के सभी प्रशांत महासागर में हैं। सभी के सभी कहाँ हैं? प्रशांत महासागर में हैं। ऑस्ट्रेलिया की खास बात है, एक डायग्राम के थ्रू बताऊं, फिर मैप में भी मैं आपको बता दूंगा। ऑस्ट्रेलिया की एक खास बात है कि ऑस्ट्रेलिया का ये जो पूर्वी तट है, पूर्वी नहीं पश्चिमी हुआ ना, ये ऑस्ट्रेलिया के जो पश्चिमी तट है,
ये पश्चिमी तट तो किसको छूता है? हिंद महासागर को, ठीक है। और ये वाला जो तट है ये किसको छूता है? प्रशांत महासागर को। तो ये हिंद महासागर हो गया पश्चिमी तट, ठीक है, और पूर्वी तट कौन हो गया? प्रशांत महासागर। ओके, तो हम जान लेते हैं एक बार हमारे मैप में इन ओशिनिया से संबंधित जो द्वीप समूह हैं उनके बारे में। जब हमने अपना लेसन शुरू किया था तब हमने बात की थी कि जो ओशिनिया महाद्वीप है, ओशिनिया महाद्वीप तीन द्वीप समूहों से मिलकर बना है और ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक अलग से उन द्वीप समूह से पृथक एक देश है। द्वीप समूह की हमने जो बात की थी उनमें सबसे पहले आप देख पा रहे हैं हमारे पास है माइक्रोनेशियन द्वीप समूह, ठीक है। माइक्रोनेशियन द्वीप समूह, माइक्रोनेशियन द्वीप समूह में सबसे पहले जो द्वीप समूह आते हैं उनमें मेरियाना है, मार्शल है, मेरियाना है, मार्शल है, कैरोलीन है, ठीक है, किरीबाती है। मेरियाना, मार्शल, कैरोलीन और किरीबाती ये मिलकर बनाते हैं किनको? ये मिलकर बनाते हैं माइक्रोनेशियन। और भी द्वीप समूह है लेकिन मुख्य द्वीप समूह की हमने बात कर ली है। उसके बाद हम देख पा रहे हैं मेलानेशियन द्वीप समूह, मेलानेशियन द्वीप समूह, मेलानेशियन द्वीप समूह में मुख्यतः जब हम देखते हैं तो मेलानेशियन द्वीप समूह में हमारे पास खुद होता है एक तो न्यू गिनिया है, ठीक है, न्यू गिनिया होता है वो मेलानेशियन का पार्ट है। इसके अलावा मुख्य द्वीप समूह में सोलोमन है और फिजी, सोलोमन और फिजी ये हमारे मुख्य मेलानेशियन द्वीप समूह के पार्ट है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं तो पॉलिनेशियन हमारे पास रह जाता है, तो पॉलिनेशियन में हमें मुख्यतः नजर आता है प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप और दक्षिण में न्यूजीलैंड, ठीक है। ये क्या है? वास्तव में हमारे इस ओशिनिया महाद्वीप के सबसे मुख्य पार्ट है। फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तो यानी ऑस्ट्रेलिया देश तो एक्चुअल में अपना है ही है, ठीक है। अब देखो इन सब द्वीप समूहों को आप देखो ध्यान से, ऑस्ट्रेलिया सहित इन सभी द्वीप समूहों को आप देखोगे, जब आप इनको देखते हो तो आपको नजर आते हैं सबसे, आपको नजर आता है सबसे मुख्यतः सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और इसी वजह से पूरे मैप में ओशिनिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया ही नजर आने की वजह से हम इस महाद्वीप का नाम क्या रख देते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसे हम द्वीपीय महाद्वीप की संज्ञा भी देते हैं क्योंकि इस महाद्वीप में हमें समस्त जगह क्या नजर आते हैं? सिर्फ द्वीप ही नजर आ रहे हैं। सभी जगह हमें क्या नजर आ रहे हैं? सिर्फ द्वीप हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम द्वीपीय महाद्वीप भी कह लेते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई है हमारे ओशिनिया की। अब जैसा कि स्थल मंडल हम पढ़ते हैं रीट सेकंड लेवल SST में, तो हमारे पास अब जानने के लिए है हमारे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मुख्य पर्वत, मुख्य पठार, मैदान, मरुस्थल और मुख्य नदियां और झील, ठीक है। इनको हम कंटिन्यू करते हैं हमारे बोर्ड पे। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू साथ आप बने रहिए। हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज करने में विशेष जिसका नाम आता है वो जेम्स कुक है। जेम्स कुक 1770 में ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे थे, लेकिन इससे पहले भी मतलब खोजकर्ता जेम्स कुक को ही माना जाता है 1770 में, लेकिन इससे पहले भी यूरोपियन नाविक 1606 में, और उनका नाम था विलियम एडसन्स, ठीक है। और ये 1606 में पहुंचे लेकिन उसके बावजूद जेम्स कुक को ही 1770 में इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का खोजकर्ता माना जाता है। इसके अलावा फिर तस्मान जो नाविक है, तस्मान यूरोपियन नाविक, वो तस्मानिया पहुंचे थे और तस्मानिया की खोज हुई, लेकिन जेम्स कुक ही वो व्यक्ति थे जो तस्मानिया की खोज को प्रमाणित करते हैं। यहाँ तक कि न्यूजीलैंड तक भी जेम्स कुक ही पहुंचे थे और इसी वजह से न्यूजीलैंड के मध्य दोनों द्वीपों के मध्य जो जल संधि है उसको हम कुक जल संधि कहते हैं, ठीक है। और न्यूजीलैंड का जो सबसे ऊंचा शिखर है उस शिखर को भी माउंट कुक की संज्ञा ही दी जाती है। न्यूजीलैंड का जो शिखर है वो भी माउंट कुक ही कहलाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की विशेष मुख्य पर्वतमालाओं से शुरू करते हैं, ठीक है। देखो ऑस्ट्रेलिया में जो पूर्वी प्रदेश है ये वाला, इस पूर्वी प्रदेश में प्रशांत महासागर के सहारे हमें वृहत विभाजक पर्वतमाला यानी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखने को मिलती है।
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त और बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पश्चिमी जो पोर्शन है यहाँ पे डार्लिंग जो पर्वत श्रेणी है वो देखने को मिलती है। बस इतना ही है। इसके अलावा पठारों की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर पूर्व में क्वींसलैंड का पठार है, ठीक है। इसके अलावा फिर और देखते हैं तो यही मकर रेखा के उत्तर में टुआम्बा का पठार हमें नजर आता है। टुआम्बा का पठार है, दो मुख्य पठार है और ये मुख्य पर्वत श्रृंखला है। सेंटर में जो नजर आ रही है पर्वत श्रृंखला वो ब्रोकन हिल है, सीसा और जस्ते के लिए विशेषतः जानी जाती है। और दक्षिण में जो पर्वत श्रृंखला है इसको ऑस्ट्रेलियन आल्पस की संज्ञा दी जाती है, ऑस्ट्रेलियन आल्पस की संज्ञा इसे दी जाती है। पठार की हमने बात कर ली है, बस क्वींसलैंड का पठार, टुआम्बा का पठार। और अगर मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल में एक तो है तनामी का मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, एक है ग्रेट सैंडी मरुस्थल ये भी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, गिब्सन मरुस्थल है ये भी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, और ग्रेट विक्टोरिया जो डेजर्ट है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट भी है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में। अब पश्चिम में ये जो मरुस्थल बने हैं, पश्चिम में जो मरुस्थल बने हैं उनके बनने का क्या कारण है? कारण है ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी तट है, इस पश्चिमी तट पर एक ठंडी जल धारा चलती है और इस ठंडी जल धारा का नाम है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा ठंडी जलधारा है, तो इस ठंडी जलधारा के कारण इस पश्चिमी तट पर किसका विकास हुआ है? मरुस्थल का विकास हुआ है। ये सभी के सभी जो मरुस्थल हैं उष्ण है मरुस्थल, इनमें से कोई भी ऑस्ट्रेलिया में शीत मरुस्थल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा देखो पर्वत है, पठार है, मरुस्थल है, मरुस्थल के बाद हमारे पास घास के मैदान है। घास के मैदान में मकर रेखा के उत्तर में हमें नजर आता है समाना घास का मैदान और मकर रेखा के दक्षिण में हमें नजर आते हैं डाउन्स। जो सवाना घास के मैदान है वो उष्णकटिबंध है और जो डाउन्स है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दो ही घास के मैदान है, इसके अलावा एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान न्यूजीलैंड में भी है जिसे हम कैंटरबरी की संज्ञा देते हैं। ये घास का मैदान कैंटरबरी कहलाता है, ठीक है। घास के मैदान के बाद नदियों की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र मरे और डार्लिंग है। मरे डार्लिंग एक दूसरे की सहायक नदियां हैं। मरे और डार्लिंग ग्रेट ऑस्ट्रेलियन की जो खाड़ी नजर आ रही है दक्षिण में, यहां आकर इस खाड़ी में विलीन हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद घास के मैदान के बाद नदियां पड़ी, नदियों के बाद झील, एक ही विशेष झील है जो कि डाउन्स घास के मैदानों में है, आयर। आयर झील के दो पार्ट है, एक उत्तरी आयर झील और एक दक्षिणी आयर झील, और दोनों का ही संबंध डाउन्स घास के मैदान से है जो कि शीतोष्ण घास के मैदान है। ये डाउन्स और ये कैंटरबरी दोनों के दोनों गेहूं उत्पादन के लिए अच्छे से जाने जाते हैं। अब हम ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर बात कर लेते हैं, कुछ खास पर्वत सॉरी कुछ सागर क्षेत्रों पर। तो दक्षिण में है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन की खाड़ी, उत्तर में है कार्पेंटेरिया की खाड़ी, उत्तर पश्चिम में अराफुरा सागर और उत्तर पश्चिम में ही तिमोर सागर, उत्तर पूर्व में हमें नजर आता है कोरल सागर, और कोरल सागर में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जल संधियों की, तो जल संधियों में न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप इनके बीच में जल संधि है वो कहलाती है कुक जल संधि या कुक जल डमरू मध्य। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य जो जल संधि है उसको हम कहते हैं बास जल डमरू मध्य। ऐसे ही इस पापुआ न्यू गिनी और कार्पेंटेरिया की खाड़ी के साथ दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो जल संधि है वो जल संधि कहलाती है टॉरस जल संधि, ठीक है। बस ये जल संधियां हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रधान रूप से। पहले हमने ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया के रूप में पढ़ लिया था। ऑस्ट्रेलिया के देखो कुछ खास बातें हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया को हम प्यासी भूमि का देश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये गार्डन इन द सी कहलाता है क्योंकि ये एक रीफ है। रीफ किससे बनी है? कोरल से बनी है। इसमें किसके वृक्ष हैं? नारियल के वृक्ष पाए जाते हैं, घने वृक्ष हैं, तो इसको गार्डन इन द सी की संज्ञा देते हैं। गार्डन इन द सी
कहलाता है, ये गार्डन इन द सी की संज्ञा देते हैं इसे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्वींसलैंड का पठार वगैरह है ही, साथ ही में ऑस्ट्रेलिया का ये जो नदियों के मध्य का भूभाग है ये वाला, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में मरे और डार्लिंग नदियों के बीच का भूभाग है, इसको ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि कहलाती है। यहाँ पे यूकेलिप्टस के पेड़ यानी सफेदे के पेड़ बड़ी मात्रा में देखने को यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती जो स्थान है, विशेष शहर है, उनकी बात करें तो ब्रिस्बेन, ठीक है, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा। कैनबरा जो तटवर्ती क्षेत्र पर तो नहीं है बट थोड़ा दूर है, लेकिन ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबोर्न, ठीक है, BSC, ये तो कैनबरा से BSC हो जाएगा, तो BSC हमें याद कर लिया, मतलब पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित जो शहर हैं वो BSC यानी ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा। इसके बाद फिर आ जाता है MA, MA में आ जाता है विशेषकर मेलबोर्न, MA है ना, BSc, MA, PhD ऐसे याद कर सकते हैं। BSc ब्रिस्बेन, S सिडनी, C कैनबरा, उसके बाद MA मेलबोर्न, मेलबोर्न के बाद एडिलेड, ठीक है, तटवर्ती है सारे। फिर PhD, PhD से हम याद कर सकते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पे है पर्थ, ठीक है, उसके अलावा यहाँ है होबार्ट, तस्मानिया में, ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है ये, एक अलग देश है होबार्ट। इसके अलावा फिर यहाँ पे हमें नजर आता है डार्विन, तो PhD बन गया ना, BSc MA PhD, BSc MA PhD, ये क्या है, सभी के सभी ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती स्थान है, तटवर्ती बड़े शहर हैं। यहाँ पे न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर है, और वेलिंगटन की खास बात है कि ये विश्व की दक्षिणतम राजधानी है, विश्व की दक्षिणतम राजधानी इसे कहा जाता है। बस फ्रेंड्स इतना ही आता है, विशेषकर जैसे अपने जो रीड सेकंड लेवल है उस पर दो तीन एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे पूछे जाए तो दो तीन एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आ जाता है कि विशेष जैसे यूं पूछ लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की मूल जनजाति कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया की मूल जनजाति लिख रहा हूं मैं यहाँ पे एरबोजिन है, एरबोजिन, ठीक है। दूसरा ऑस्ट्रेलिया के भेड़ पालक जो किसान है वो क्या कहलाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के भेड़ पालक किसान जेकारू कहलाते हैं। न्यूजीलैंड की मूल जनजाति कौन है, तो न्यूजीलैंड की मूल जनजाति माओरी है, ठीक है। फिर आता है कि कंगरू का देश, कैंगरू का देश किसको बोलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं, और कीवी का देश किसको बोलते हैं, तो न्यूजीलैंड को बोलते हैं। ओके, इससे ज्यादा रीड सेकंड लेवल पर क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक जैसे धुआरा आ जाता है, धुआरा न्यूजीलैंड में व्हाइट टापू का धुआरा है, व्हाइट टापू का धुआरा, ये हमारे न्यूजीलैंड में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल रीड सेकंड लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में, आप इसे लर्न करते रहिए और अच्छे से याद कीजिए और एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। थैंक यू।